फ्रेंड्स एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो दो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। कौन कौन सी दो यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को विदाउट एग्जाम के प्रमोट कर दिया, इस बारे में जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऑल इंडिया के समस्त यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम की जानकारी है वो समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही आप इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स को इस बारे में जानकारी मिल सके। सबसे पहले आप यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते होंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से जारी किया गया। आप इस नोटिस को यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कर वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रमोट किया जा चुका है। जो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उनके लिए इस नोटिस को डाउनलोड करने की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से वो इस नोटिस को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले आप यहाँ देख सकते होंगे सब्जेक्ट प्रमोशन ऑफ इवन सेमेस्टर टू ओड सेमेस्टर ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, यानी कि मध्यवर्ती विद्यार्थियों को सम सत्र से विषम सत्र में प्रोन्नत करने हेतु, यानी कि स्टूडेंट्स के यहाँ पर प्रमोशन की बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते होंगे दिनांक 11/6/2020 को ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेषक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय प्रेषित किया गया सभी मध्यवर्ती विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है सभी विद्यार्थियों को अगले सत्र में प्रोन्नत किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे ऑल स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इन सभी स्टूडेंट्स को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया, इसी तरफ से उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं रॉयल खान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, इसके साथ साथ यहाँ पर आगरा के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स से प्रमोशन मांग रहे हैं, बट यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही। मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। वो स्टूडेंट्स भी अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन दें कि हमें भी यहाँ पर प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई किस टाइप से प्रमोट किया गया। फिलहाल अगली यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, तो जानते हैं अगली यूनिवर्सिटी की जो न्यूज है वो देखने के लिए मेरे साथ बने रही। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, आईपीयू पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों की नहीं होगी परीक्षा, बड़ी अपडेट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए, हम भी यही चाहते हैं। इसके साथ कोविड-19 के कारण गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में पहले और दूसरे वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं होगी। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे इन सभी इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को 50-50% के फॉर्मूले के आधार पर अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते होंगे राजस्थान में भी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है, महाराष्ट्र में भी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है, न्यू दिल्ली में भी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है, बट उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है। लाइक एज यहाँ पर IIT के कुछ स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है, इसके साथ साथ AMU के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया, बट अभी अदर यूनिवर्सिटी से कोई ऐसी न्यूज़ निकल कर सामने नहीं आ रही। तो यदि आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ इसके लिए आप अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट कीजिएगा, और छात्र संगठनों के माध्यम से आप यूनिवर्सिटी को ज्ञापन दीजिए कि इस कोरोना महामारी के चलते स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से कर सकें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, इसके साथ ही अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उत्तर प्रदेश की समस्त यूनिवर्सिटी के एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट न्यूज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।